ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। बेहट सूबे की भाजपा सरकार में किसान धान बेचने के लिए भी तरस रहे हैं। पिछले 10 दिनों से किसानों की धान से लदी ट्रालियां क्रय केंद्र पर खड़ी है, लेकिन क्रय केंद्र प्रभारी खरीदने से इनकार कर रहा है। धान खरीदने से इनकार करने पर किसानों का गुस्सा भड़क गया। किसानों ने धान क्रय केंद्र घुन्नाटीन पर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला धान क्रय केंद्र घुन्नाटीन का है। गुरुवार को किसान धान क्रय के केंद्र घुन्नाटीन पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने क्रय केंद्र प्रभारी का घेराव करते हुए हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि पिछले 10 से 12 दिनों से उनकी ट्रालियां धान क्रय केंद्र पर खड़ी है, लेकिन केंद्र प्रभारी उनका धान नहीं तोल रहे हैं। किसानों का कहना है कि डीएम के आदेशों के बाद भी उनका धान नहीं खरीदा जा रहा। किसानों का कहना है कि मौसम खराब हो रहा है, जिससे उनका धान भीग सकता है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना देने व हाईवे जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम? दिलीप कुमार। जगह की शॉर्टेज है, मेरे पास जगह का अभाव की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है तोलने में, मुझे कोई ऐतराज नहीं। चौकी नहीं कहा मैंने, जगह की कि मैं जगह भर गई, जगह भर गई मैं आपके पास। मैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, चलिए आप देख लीजिए चल के मेरी जगह की स्थिति क्या। जगह की उपलब्धता नहीं है क्या? आपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी कि जगह नहीं है, इस वजह से खरीदारी नहीं हो पा रही? अधिकारियों को मालूम है, अधिकारी आए थे, उन्हें भी हमने दिखा दी जगह। उन्होंने कहा पहले इस माल को उठवाओ, पहले उठवा के जगह कल, उसके बाद कर लेना खरीद अपनी। ऐसा मैं तो माल उठवा ही रहा हूँ भाई साहब, आप ताजु करेंगे। मिल में आज 6 दिन से मेरी 2 ट्रालियां खड़ी, आज नंबर पे आया है, आज उतरेंगे, आज वो 6 दिन बाद। भाई साहब मैंने केवल जगह के लिए कहा था कि मेरे जगह में जगह मैं इधर से उठवा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जगह एक्चुअल सेंटर मेरा यहाँ स्वीकृत है, तो मैं ये माल मेरा अक्टूबर का खरीदा हुआ है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पहले जो पहला खरीदा हुआ है ये पहले उठ जाए, ये उठे तो यहाँ जगह हो जाए मेरी, ये जगह हो जाए मेरी। नहीं भाई साहब, मैं अधिकारियों की बात न मानता, मैं आज अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा खरीद मेरी कितनी है कल तक। निर्देश आई बिजोपुरा 9 तारीख को हमारी ये ट्रॉली आई थी और इसमें से लगभग 50 कट्टे तुलने के बाद ये लोग बोले कि साहब यहाँ पे बार लाना खत्म हो गया, तो लिहाजा आप ट्रॉली साइड में कर लो। अब ये आधी ट्रॉली तुल गई, आधी खड़ी है, 10 दिन से बारिश ऊपर है, भीग रही है, अब कल धान भीग जाएगा तो बोल देंगे साहब ये तो भीग गया धान, अब हम कैसे लें। तो बड़ा परेशानी है और पेमेंट और पैसा नहीं आ पा रहा, बड़े कष्ट में है किसान इस वक्त। शिकायत हमने की है पोर्टल पे, जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल दिया हुआ है उस पर हमने शिकायतें दर्ज की हैं, तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि हम अभी करते हैं, देखते हैं, और डीएम साहब ने आदेश किए हैं तोल दें, लेकिन ये टोल क्लर्क जो है ये तोल नहीं पा रहे ना तोल रहे, और अब ये चाहते हैं सभी किसान खड़े हैं यहाँ पे, ये सब ट्रालियाँ तुल जाएं, जितना जिसका अनाज है अभी तो लोगों के घरों में सैकड़ों ट्रालियाँ लोगों के घरों में खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ जगह इतनी नहीं है कि यहाँ पे आ जाए। ये टोकन वाले लोग थे हैं, ये ही नहीं तुली अब तक। जिनके टोकन लखनवीर सिंह, क्या मामला ये है कि 10 तारीख से हमारी जो ट्राली है धान की वो यहाँ क्रय केंद्र घुन्ना 3 जो है थ्री है और तोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अगर इन्हें तोलने के लिए कहा जा रहा है तो इनका तोल बाबू कह रहा है कि मुझे सल्फास लाया दो, सल्फास खाऊंगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है, योगी जी से निवेदन है कि आप हमें ये बताइए कि आपने किसानों के लिए किया क्या अब तक। किसान सल्फास खावागा, इनका तोल बाबू सल्फास खावागा, इनका कर्मचारी सल्फास खावागा। अब हमारे लिए तो ये रहेगा, योगी जी से निवेदन है कि हमारी बात सुने, इसे प्राथमिकता दी जा, डॉक्यूमेंट्स आपके नियमित अनुसार सब है हमारे पे, ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि हमारा जो है धान तुलवा जाओ, टाइम पर नियमित अनुसार हमारी पेमेंट कराई जाए। आदेश की कॉपी है मेरे पे, 3 बार आदेश भी हो लिया मेरे पे, आरएमओ के पास गया मैं, आरएमओ ने मना कर दी, कोई डिप्टी जो आरएमओ है इनका, और तोल बाबू के पास भी गया, 3-3 4-4 बार इनके पास में होया। क्या कह रहे हैं कि मजबूरी है, मजबूरी है, माल नहीं उठ रहा, माल नहीं उठ रहा, ये कहकर चढ़ा जा रहा, बारदाना नहीं है, बारदाना नहीं,